India in details. Hindus and Indians should not lose when they are on the side of the truth. And yet, they continue to lose important battles. And they will lose more battles if they don't change their attitude. झूठ जीत जाता है और हिंदुओं और भारतीयों का सच हार जाता है। ऐसा कई बार हुआ है, आज भी हो रहा है और हो सकता है अगर हम अभी भी सबक नहीं सीखे तो यह आगे भी होगा। लेकिन क्यों होता है ये? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम में से कुछ इंडियंस और हिंदूज ऐसे हैं जो सही समय पर सही निर्णय, सही डिसीजन नहीं लेते। आज मुझे कहते हुए बहुत निराशा हो रही है कि जो भी हमने सोचा था, जो सपने हमने देखे थे, वो सपने टूट रहे हैं। सब कुछ आज से ज़्यादा हुआ सा लग रहा है और कहीं ना कहीं एक भारतीय हिंदू फिर एक बार हारता हुआ दिख रहा है। अपने प्यारे देश भारत में हमने आज तक जो भी बनाया था वो सब बर्बाद या समाप्त होने जा रहा है। पर अगर आज आप यह वीडियो पूरा देख लोगे और इसको हर हिंदू और भारतीय तक पहुंचा दोगे तो हो सकता है कि हिंदू अब दोबारा कभी नहीं हारें। Yes, let me say this in English too. If you watch this entire video and spread it until it reaches every Hindu and Bhartiya, it may be possible that Hindus will no longer lose their battles. To start with, do you know how much money we have spent so far to produce every single video that we have made? देखिए, आपको सुनकर यह आश्चर्य हो सकता है अगर आप जान जाएं कि हमने आज तक कितना रुपया खर्च किया है अपने चैनल पर अब तक के सारे वीडियोस बनाने में। सिर्फ हम दो लोगों ने रात दिन एक करके कई साल पहले अपनी प्रॉपर्टी बेचकर देश की सेवा में उसका पैसा लगाकर अपना खुद का तन मन धन समर्पित करके सिर्फ हम दो लोगों ने इस नए भारत की यात्रा में जो योगदान दिया है वो आपके सामने है। हमारी जो वीडियोस हैं उन्होंने लाखों लोगों की मानसिकता को पॉजिटिवली बदला है या प्रभावित किया है। करोड़ों भारतीयों को इमोशनली डिकॉलोनाइज करने का प्रयास किया है। भारत के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। कई विदेशियों के सामने भारत को एक नए रूप में दिखाया है। सोचिए, इतना बड़ा काम और कितना पैसा आज तक खर्च हुआ होगा इसमें, इस सारे काम में। Yes, our videos have positively changed or shaped the way many think, and our videos have contributed a lot when it comes to emotionally decolonizing the people of Bharat. On numerous occasions, our videos have given a befitting response to India's enemies. And we have presented the new Bharat to the world and to foreigners in a way that was never done before. Now, just think, such important work, how much we must have spent doing all this? Can you guess? दोस्तों, सच तो यह है कि इतने बड़े काम की शायद कोई कीमत ही नहीं है। पर फिर भी हम दोनों ने आज तक जितना भी पैसा खर्च किया है अपने सारे वीडियोस के प्रोडक्शन में, वो शायद सड़क पर चलने वाली एक सो कॉल्ड सुपर लग्जरी कार से भी कम है। वही एक विदेशी कंपनी की सो कॉल्ड सुपर लग्जरी कार जो हम में से कई हिंदू और भारतीय बस अपना शौक पूरा करने के लिए खरीद लेते हैं और शायद कई तो थोड़ा बहुत ही उसको इस्तेमाल करके उसको अपनी कार कलेक्शन में रख लेते हैं। देखिए, मैं इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत सारे सो कॉल्ड हिंदू देश प्रेमियों से मिला हूँ। कई बार मैं उनकी लग्जरी कार के कलेक्शन को देखकर यही सोचता था कि भाई, एक तरफ यह हैं जो 5 कार रख के भी बैठे हुए हैं और ये सारी कार शायद चलाते भी नहीं हैं और इनकी बस एक कार उतने ही रुपये की आती है जितना रुपया मैंने आज तक क्यूमुलेटिवली अपने चैनल पर वीडियोज़ बनाने में खर्च किया है। पर जरा यह भी सोचिए कि सिर्फ एक महंगी लग्जरी कार जितने रुपए की आती है, लगभग उतनी ही धनराशि से एक हमारे इंडिया इन डिटेल्स जैसा चैनल भी बन सकता है यदि उस चैनल के पीछे अनुराग या कैरोलिना या हमसे भी बेहतर दो इंडिविजुअल्स हों। Yes, we understand, of course, it is their money, their choice. But at least just think that the same amount that one spends to buy an expensive car like that is also enough to establish a channel like India in Details. देखो, यह मोहम्मद जुबेर है। देखो कैसे फंड रेजिंग के लिए इनकरेज करता है। यह इस काम को कई इंडियंस और हिंदू सपोर्ट भी करते हैं। कितना सारा रुपया फंड रेज करते हैं ये लोग हर महीने, देखो। और जरा ये देखो, केरला के अब्दुल रहीम के लिए जैसा ये बता रहे हैं, 34 करोड़ रुपये रेज करेगा। 34 करोड़ रुपये, जरा देखो कितने यूनाइटेड हैं ये लोग। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मस्जिदों में प्रेयर्स करी गई,
लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए इनकरेज किया गया। मुस्लिमों ने तो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया ही, हिंदुओं ने भी अब्दुल रहीम को सऊदी अरब के जेल से रिहा करने के लिए फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया। और इसके अलावा क्रिश्चियंस भी हैं जो इंडिया और दुनिया के टोटल इवेंजलाइजेशन के लिए कितने समय से फंड रेज कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग कुछ दिन में 34 करोड़ सिर्फ एक अब्दुल रहीम को रिहा करने के लिए फंड रेज कर देते हैं, और दूसरी तरफ आप हैं जो आज तक राम मंदिर डॉक्यूमेंट्री जो हम बना रहे हैं उसके लिए 43 लाख भी फंड रेज नहीं कर पाए। आज तक इतने महीने बाद केवल 10 लाख के आसपास फंड रेज हो पाए हैं। पर आप लोग परेशान मत होइए, मैं अपना इकलौता अपार्टमेंट जिसका पजेशन हमें मिलने ही वाला है उसको बेचकर भगवान राम की सेवा में और राम मंदिर डॉक्यूमेंट्री में उसकी फंड रेजिंग में सहयोग के लिए उसको समर्पित करने के लिए तैयार हूं। आज से कई साल पहले कैरोलिना को पहली बार जब मैं इंडिया लेकर आया था तो नोएडा में गोल्फ कोर्स में मेरा खुद का अपार्टमेंट हुआ करता था, और वो भी बिना किसी होम लोन के। वो अपार्टमेंट बेचकर उस पैसे को मैंने देश की सेवा में समर्पित कर दिया था, और उसी कारण इंडिया डिटेल्स चैनल यूट्यूब चैनल देश सेवा कर पाया। उसके बाद हमको रेंट पर भी रहना पड़ा, एक बार तो बेघर भी होना पड़ा, और आज तक अभी भी हम रेंट पर ही रह रहे हैं। कुछ ही समय पहले सालों इंतज़ार करने के बाद बड़ी मुश्किल से फाइनली एक अपार्टमेंट हम खरीद पाए थे जिसका पजेशन हमको अब मिलने ही वाला है। मन में बड़ी खुशी थी कि फाइनली अब दोबारा बेघर नहीं होना पड़ेगा, रेंट पर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन लगता है एक बार फिर मुझे अपने अपार्टमेंट की देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। Yes, after all these years, finally we were able to purchase an under construction property, an apartment that is almost ready to be handed over to us. And for the last several months, we were so happy that we will finally be able to live in our own apartment again. But it seems that once again, we will be forced to sacrifice our apartment for India. एक प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर हमारी देश सेवा की क्या कीमत है? आज इसका उत्तर भी मैं आपको दे ही देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि बताने की शायद आवश्यकता ही नहीं है कि हम दोनों ने क्या सेवा करी है देश की। सिर्फ इन दो प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं। हमने वो कंटेंट और वो फ्रेश पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया है जो कई बार हमसे पहले इंडिया के इतिहास में किसी ने नहीं किया, और बहुत सारा ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो आज तक हमारे अलावा किसी ने उसका जिक्र ही तक नहीं किया। इंडिया के इतिहास में डॉयचे वेले को एक्सपोज इस तरह से किया हमसे पहले किसी ने, बीबीसी को इस तरह से एक्सपोज किया हमसे पहले किसी ने यूट्यूब पर। आप ही बताइए, क्या भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि बीबीसी या जोशुआ प्रोजेक्ट को एक इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ शेम में पेश किया गया? वो हिम्मत सिर्फ हमने की, अपने पैसों से की, सारे खतरों से निडर होके करी। खुले आम यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने बेल्जियम में कैरोलिना ने बीबीसी और जोशुआ प्रोजेक्ट को 2023 इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ शेम में पेश किया। I am releasing the 2023 International List of Shame. The first one, the Joshua Project. और जानते हैं उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? चाहे वो बीबीसी हो या फिर जर्मनी का डॉयचे वेले, इन इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को खुले आम चुनौती देने के बाद भी आज तक हम पर एक भी लीगल नोटिस देने की इन्होंने हिम्मत नहीं करी है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे सवाल, हमारी रिसर्च का आधार सिर्फ वो तथ्य और फैक्ट्स हैं जिनको ये नकार ही नहीं सकते। और इस वीडियो को देखिए, उस समय जो नॉर्वेजियन एम्बेसडर टू इंडिया थे उनको इस तरह से जवाब दिया हमसे पहले किसी ने यूट्यूब पर। रशियन मिशनरी एक्टिविटी, वेस्टर्न क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी, बस्टिंग इंडियाज नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, अगर गिनाने लग जाऊंगा ना तो 2-3 घंटे इसी में निकल जाएंगे। पर रियालिटी यह है कि हमारा काम, हमारी सेवा सब आपके सामने है। और दोस्तों, यह याद रखिए कि देश की संतानें सिर्फ बॉर्डर पर अपनी जान पर नहीं खेलती, इस बात को भूलिएगा मत। देश के अंदर भी देश की संतानें हैं जो अपनी जान पर खेलकर देश सेवा करती हैं। मेरे दो छोटे से बेटे, उनको जान से मारने की धमकी, क्या कसूर है उन मासूमों का? कैरोलिना और मुझको 200 से भी ज्यादा धमकियां। यह बलिदान और देश के लिए समर्पण की भावना, कोई लगा सकता है इसकी कीमत? निडरता से देश के लिए सब कुछ समर्पित करने की भावना, है कोई इसकी कीमत? है किसी में इतनी हिम्मत जो लगा सकता है इसकी कीमत? मजबूरी में, फंड्स के अभाव में
हमको 10-10 लोगों का काम अकेले करना पड़ता है। आंख में CSR, ओवरवर्क के कारण हाथ में माउस आर्म और टेनिस एल्बो, शोल्डर में क्रोनिक पेन, कमर में स्लिप डिस्क। क्या लगता है आपको, है कोई इसकी कीमत? मैंने तो अपने फर्नीचर डिजाइनिंग के करियर की कमाई और अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर उस पैसे को देश सेवा में लगा चुका हूं और लगाने वाला हूं। पर जरा सोचिए, अगर आप एक सच्चे भारतीय हो और अगर आप धर्म या सच के मार्ग पर चलना पसंद करते हो, और उसके बावजूद यदि आप हमारी देश सेवा को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? एक बात बताइए, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा हमारे काम को फाइनेंशियली सपोर्ट? BBC करेगा, दौचे वाले करेगा, जोशुआ प्रोजेक्ट या जिनको हमने एक्सपोज किया है वो करेंगे क्या हमारे काम को सपोर्ट? आपकी सच की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अगर आप ही साथ नहीं दोगे तो कौन देगा हमारा साथ? जैसे जर्मनी बेस्ड प्रोपेगेंडिस्ट को दौचे वेले, अल जजीरा, BBC, France 24 वगैरह वगैरह ने सपोर्ट, प्रमोट या पॉपुलराइज किया है, हमको वो क्यों सपोर्ट करेंगे जब हम उनके या उनके देश के काले कारनामों को दुनिया के सामने एक्सपोज करते हैं? हम कोई जर्मनी बेस्ड प्रोपेगेंडिस्ट की तरह BBC और दौचे वेले की चीयर लीडिंग नहीं कर सकते। प्लीज समझो इस बात को। Yes. The Germany-based propagandist is supported, promoted or popularized by DW, Al Jazeera, BBC, France 24, etc. But those media outlets will never promote our work that way because we expose their or their country's wrongdoings. We are not like that Germany-based propagandist who does cheerleading for the BBC and DW. Please understand this. Desh ke dushman, desh ke gaddar, मालामाल हो रहे हैं और देश सेवा करने वाले बेघर हो रहे हैं। यह पैटर्न हमको बदलना होगा और ये जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उनकी तरह हमको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं करेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ शायद आम जनता का ही सहारा है, जो भी सच्चे हृदय से देश सेवा कर रहा है उसे कंगाल नहीं मालामाल बनाइए, और जो देश के दुश्मन हैं वो फाइनेंशियली कमजोर हों, तब शायद इस देश का समय बदलेगा। क्योंकि दुख की बात यह है कि ऐसा साफ लगता है कि आजकल देश का गद्दार होना एक बहुत ही फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग करियर बन गया है, और इसी चक्र को हमको बदलना है, इसी चक्र को हमको तोड़ना है। Yes, what seems very disappointing is that being a traitor of Bharat has now become a financially rewarding and pursuable career that can give one fame and money. And we need to break that chain. साफ लगता है कि एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है जो देश के गद्दारों या हमारे भटके हुए लोगों को पॉपुलर बना देता है, उनको हीरो बना देता है। वो अपना काम करेंगे, वो नहीं रुकेंगे, कम से कम आप तो जाग जाओ। Yes, that ecosystem probably won't stop its work and it won't stop supporting Bharat's traitors. But who's stopping you from supporting those who are doing everything to protect Bharat from traitors? आप ही बताइए, देश के गद्दार बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में डोल रहे हैं, महंगी महंगी प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं, और हमको एक राम मंदिर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अपना खुद का मकान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डू यू नो व्हाट आर बिगेस्ट रिग्रेट इज इन दिस लाइफ? द बिगेस्ट रिग्रेट इज प्रोबेबली दैट कैरोलिना स्किल्स एंड माई स्किल्स आर नॉट बीइंग फुली यूज्ड टू सर्व द कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट धर्म। Yes, our talents are severely underused. Want to know how? For example, Carolina's finest skill, in my opinion, is her ability to research. My main skill, according to Carolina, is giving final touches to the video script. But due to the non-availability of employees and due to lack of funds, at times, Carolina and I are forced to edit. We are also forced to add subtitles. We are also forced to moderate. Sometimes we are forced to make thumbnails and banners. That is not the best use of our best skills. As a result, we have not been able to post as frequently as we want to. Instead of 500 videos, we could have easily published at least 1,000 videos if our viewers had given appropriate support to our work and our seva financially. I wish the people of Bharat were awakened enough to understand who to support and how to recognize talent. You know, what concerns me? What concerns me is that we still have so much unpublished research and content that is lying with us. And so far, whatever we have published on our channel is maybe just 5% of it.
It means that a huge 95% of the content that is lying in our private library is still not out. And trust me, a lot of that 95% content is so powerful and so exclusive that it has the power to serve Bharat in a way that has never been done before. But if by any chance we do not get enough support and if we fade away, our unpublished research will never be released. If that happens, tell me, whose loss would that be? It would not be just our loss. If you support India, it would be your loss too. It would be Hindu's loss. It would be Bharat's loss. आज भी अगर हम इंडिया इन डिटेल्स चैनल बंद कर दें तो हम बहुत कंफर्ट और लग्जरी से भरपूर लाइफ जी सकते हैं। मेरा हाई एंड प्रीमियम फर्नीचर का बिजनेस दोबारा खड़ा हो सकता है। कैरोलिना जो प्रोडक्शन इंजीनियर हैं वो अपना करियर परस्यू कर सकती हैं और उनके जॉब से और मेरे बिजनेस से बिना जान का कोई खतरा लिए हम दोनों खूब सारा पैसा आराम से कमा सकते हैं और एक आलीशान तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। पर मुझे नहीं चाहिए ऐसी लग्जरी। क्यों? क्योंकि उस आलीशान जिंदगी में हम देश की वो सेवा नहीं कर पाएंगे जो हम इंडिया इन डिटेल्स से कर रहे हैं। इस देश को मेरे फर्नीचर और कैरोलिना के रोल्स रॉयस जैसी कंपनी में जॉब से ज़्यादा इंडिया इन डिटेल्स की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगा। मुझे बताया गया है कि थर्ड पार्टी फंडरेजिंग या क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स में कई बार पैसा विड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी सुना है कि वो बहुत बड़ा मार्जिन भी रख लेते हैं या पैसा भी ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा दूसरे कंटेंट क्रिएटर के साथ भी हुआ है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी एक बार काफ़ी ख़राब रहा है। थर्ड पार्टी फंडरेजिंग वेबसाइट पर हम ज़्यादा रिलाय नहीं होना चाहते हैं और हमको ये सजेशन दिया भी गया था। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आप फेस करें और ना हम, इसीलिए बहुत सोच समझ कर हमने ये ऑप्शंस आपको दिए हैं जिन पर हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। पेट्रियन, पेपैल, QR कोड और UPI और इन्हीं सब माध्यम से जो धनराशि आ रही है वो हमको आसानी से मिल रही है बिना किसी झंझट के। जो भी टैक्स हमको देने के लिए कहा जा रहा है हम वो टैक्स ईमानदारी से दे रहे हैं और देश सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर आप कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भेजने में तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी हमारे इस देश के लिए समर्पित कार्य को सपोर्ट कर चुके हैं तो मैं आपके इस देश के प्रति योगदान की सराहना करना चाहूँगा और यदि आप और भी योगदान दे सकते हैं तो आइए खुल के दीजिए। अपने देश के प्रति कर्तव्य को कभी भूलिएगा मत। यह वीडियो तो उन लोगों को जगाने के लिए है जो आज तक सोए हुए हैं। आप साथ दें या ना दें, आप जागें या सोते रहें, बस एक बात ज़रूर याद रखिएगा, मैं और कैरोलिना आखिरी दम तक आगे बढ़ते रहेंगे। Yes, Anurag and I will continue until we use the last shred of energy left in us. Namaste. Namaste. Oh.